सरकार तुहर द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पसान में वृहद समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 9,557 लोगों को फौती नामांतरण, राशन कार्ड, पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी समस्याओं का समाधान शिविर के दौरान ही किया गया। शिविर में पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकट्टा, बिलासपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग तथा कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने शिरकत की। समाधान शिविर में पसान क्लस्टर के अंतर्गत 21 ग्राम पंचायतों के नागरिकों ने सेवाओं का लाभ लिया। शिविर में 22 विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में राजस्व विभाग के अंतर्गत फौती नामांतरण, सीमांकन, डिजिटल जैसे 2501 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं मनरेगा के तहत 397 हितग्राहियों का जॉब कार्ड बनाया गया। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 1992 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। समाज कल्याण विभाग से 277 हितग्राहियों को लाभ मिला। वहीं खाद्य विभाग अंतर्गत 996 हितग्राहियों का राशन कार्ड जारी किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 44 दिव्यांगता प्रमाण पत्र व 1942 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया गया। समाधान शिविर आयोजित होने से ग्रामीणों के कई लट के काम पूरे हो गए। वहीं ग्रामीणों ने शिविर आयोजित होने पर कलेक्टर महोदया का आभार व्यक्त किया। पोड़ी उपरोड़ा से तीज कुंवर बघेल की रिपोर्ट। अमर सरकार योजना के तहत कितने ग्रामीणों को योजना से जोड़ा जा रहा है, किस तरह की योजना? जिला प्रशासन ने जिले को क्लस्टर में बांट के विभिन्न क्लस्टरों से सर्वे कराकर जो भी कठिनाइयां, समस्याएं या किसी भी तरह के सुझाव है उनका संग्रह करके उनके निराकरण को लोगों को अवगत कराने के लिए समाधान शिविरों की योजना बनाई है। उसके क्रियान्वयन के लिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसमें हितग्राही मूलक योजनाएं और जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उन सबके त्वरित निराकरण या त्वरित पालन और त्वरित कार्रवाई के लिए समाधान के रूप में शिविरों का आयोजन। नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र एक्का है। कहाँ से आप? मैं रामपुर पंचायत लेंगा, रामपुर लेंगा ग्राम लोकड़ा। क्या समस्या आपको? हमारी समस्या यह है भैया, हम कई बार वन अधिकार पट्टा के लिए फॉर्म डालते हैं और जिसमें से हमारी फॉर्म हर बार रिजेक्ट होता जाता है, हर एक बार रिजेक्ट होता है और ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों का नाम शो कर रहा है जिसमें कि हितग्राही तक आज अभी तक पट्टा नहीं मिला। नहीं की स्थिति में कम से कम किसानों को पट्टा मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का नाम दिखाया जा रहा है। तो रिजेक्ट होने की वजह क्या है, जानकारी? ये बात तो अपन को जानकारी नहीं है सर। जब भी फॉरेस्ट विभाग से जाते हैं और बताते हैं कि आप लोगों के पास पट्टा मिल गया है, मिल गया है, मिल गया, यही कहते हैं, पर हमारे पास पट्टा नहीं पहुंच पाया अभी तक। नाम बताएंगे अपना? मेरा विनोद कुमार पांडे। कहाँ से हैं? पोड़ी कला। बताइए क्या समस्या? समस्या ये था कि मैं पिपरिया धान खरीदी केंद्र है जो वहाँ धान लेकर के गया था बेचने के लिए, तो वहाँ जो प्रबंधन है विजय साहू उनके द्वारा मतलब मेरे धान के किस्म को मतलब रद्दी बताना है और वही धान आधा धान मतलब लिया गया और आधा धान को रद्दी बता करके वापस भेजा गया। मैं बोला कि ठीक है, अगर वापस जा रहा है तो उतना धान को आप ऐड कर दीजिएगा, बाकी धान को फिर मैं दूसरा ला करके दे दूंगा। तो फिर जब जा करके पता करवाया गया, वहाँ खरीदी केंद्र में गणेश को राम भी रहते हैं, उनके द्वारा पूछा गया तो मेरे को बोले कि नहीं, आप खाता क्लोज कर दिए हैं, जितना चढ़ाना था उतना ही चढ़ाए हैं, अब वो नहीं हो पाएगा करके। बस फिर मैं वापस आ गया, इसी का शिकायत मेरे को देना था। समस्या संविधान समस्या शिविर में किया हूँ मैं आवेदन, डायरेक्ट कलेक्टर महोदय को दिया हूँ आवेदन। मांग क्या है? मांग ये है कि देखिए, एक तो रकबा सब शुरू से घटा दिया गया है, अब रकबा घट गया है, जितना रकबा में अपने को बेचना है उतना तो कम से कम पूरा धान जाना चाहिए ना। अब पूरा धान लेकर के जाते हैं और धान एक ही लाट का रहता है, अब वो लोग पता नहीं कैसे देखते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है करके और धान को किनारे कर दिए। तो कुछ प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं क्या? हाँ, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, मतलब या तो सही ढंग से खरीदी करें, सब सभी किसानों को एक नज़रिए से देखें, है ना, और क्या नाम कहते हैं, धान को उचित मतलब पास करें, उसमें कोई परेशानी ना रहे हम लोग को भी। लाने चाहते हैं, नाम बताइए। वो विजय कुमार साहू हैं जो, और बस वही प्रबंधक है, मेन तो प्रबंधक ही होते हैं ना, वो जैसा चाहेगा वैसे ही ना बाकी कार्यकर्ता लोग करेंगे। तो वही है कि अब उनका या तो यहाँ से स्थगन कर दिया जाए या तो फिर उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए कि मतलब आने वाले समय में इस प्रकार की कोई बात समस्या न आए। आप मन समस्या लेके आ रहे हो? हाँ। तो
तो मुलाकात हुई कलेक्टर मैडम से? हुई। और निराकरण करी से? करी से। हाँ। कहाँ ले आया है? बायरा। और नाम का है आपने? संतार सिंह। अच्छा, तो और जो समस्या रही सो हल हो गए ना? हल हो गए। क्या समस्या रही से आप मानते हैं? ये क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति? हाँ। कितना के क्षतिपूर्ति रही से आप मानते हैं? 4,000। 4,000 मिल गए? हाँ। क्या बोलना चाहता शासन? अब कुछ नहीं, अब हमको मिल गए, अब तो क्या बोलेंगे अब। हमको खुश हो गया। नाम बताइए, नाम क्या? उर्मिला। किस ग्राम पंचायत से? लहंगा। क्या समस्या है? समस्या का हवा है? समूह का चेक नहीं मिला। चेक क्यों नहीं मिल पा रहा, वजह क्या है? कौन से समूह से आप लोग? रुचि। शिकायत की आप लोग उसके लिए? नहीं नहीं, शिकायत नहीं की है, बस चेक के लिए यहाँ बुलाए थे। हाँ। तो उसी के लिए आए हैं। चेक नहीं मिला? चेक नहीं मिला है, अभी क्लस्टर में बुला रहे हैं, वहीं रखे हैं। कब शुरू किया चेक आप लोग? अब एक महीना हो गया सर, तो आज चेक देने वाले थे यहीं शिविर में, तो अभी यहाँ से मतलब चेक लेके वहाँ चले गए हैं क्लस्टर में, तो क्लस्टर बुला रहे हैं, क्लस्टर में आओ वहीं मिल जाएगा चेक करके।